बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 4 जनवरी 2022 और दिन है मंगल का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ ओमान के कोविड-19 के केस। ये टोटल 24 घंटों का डाटा है। तो टोटल 24 घंटों के दौरान जो न्यू केस निकले हैं उनकी तादाद है 232 यानी 232% के, और अब तक जो टोटल केस हो चुके हैं उनकी तादाद हो चुकी है 3,06,240 यानी 3,06,240% की। और दोस्तों अगर वफात की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी वफात वाकया नहीं हुई, और अब तक जो टोटल वफात वाकया हो चुके हैं उनकी तादाद हो चुकी है 4,117 यानी 4,117% की। और दोस्तों अगर रिकवरीज की बात करें, सेहतमंद की बात करें, जो 24 घंटों के दौरान न्यू हुई है तो वो हुई है 27 अफराद की यानी 27% की। और अब तक जो टोटल रिकवर हो चुके हैं, टोटल सेहतमंद हो चुके हैं जब से ये बीमारी है तब से लेकर अब तक, तो उनकी तादाद हो चुकी है 3,05,59 यानी 3,05,59% की। और दोस्तों अगर बाकी मरीज़ों की बात करें, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, तो उनकी तादाद है इस वक्त 1,564 यानी 1,564% की। और दोस्तों अगर हॉस्पिटल की बात करें, जो 24 घंटों के दौरान न्यू एडमिट हुए हैं, न्यू दाखिल हुए हैं, तो उनकी तादाद है 5 यानी 5%, और अब तक जो टोटल हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनकी तादाद है 15 यानी 15%। और दोस्तों अगर ICU की बात करें, जो इंतहाई निगरानी हालत में इस वक्त मौजूद हैं, तो वो हैं 5 अफराद यानी 5%। अल्लाह ताला इन तमाम को जल्द से जल्द सेहतयाब करे, और जो इसके अलावा इस दुनिया में किसी भी दूसरी बीमारी के मरीज़ हैं अल्लाह ताला उनको भी जल्द से जल्द सेहतयाब करे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मगफरत करे। केसों की तादाद ज़्यादा हो रही है तो हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज़ नहीं लगवाई और आप एलिजिबल हैं बूस्टर डोज़ के लिए, तो अपनी बूस्टर डोज लाजमी लगवा लें। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये थी आज की अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमती वीडियोस के लिए। अगर आपके जहन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो हमारे इस चैनल के हवाले से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।